इंडियन टेस्टी रेसिपीज में आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के कोफ्ते का सालन। जो नॉनवेज नहीं खाते वो लोग सोयाबीन के कोफ्ते भी बना सकते हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम बोनलेस मटन ले लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है, पानी निथार लिया है। अब हम इसे इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में सबसे पहले हम आधा टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक हम डाल रहे हैं। उसके बाद 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। एक टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1/3 हरा धनिया भी लास्ट में ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बाद में हमें सभी चीज़ें पीस लेना है। इसी के हम कोफ्ते बनाएंगे पीसने के बाद। एक बड़ा चम्मच हमने भुनी हुई चने की दाल ले ली है, जिसे दालिया भी कहते हैं। ये भी हमें पीस कर कोफ्तों में ऐड करना है, इससे बाइंडिंग अच्छी आती है। सबसे पहले हम ये चने की दाल को पीस लेंगे मिक्सर में। कोफ्तों में यूज़ करेंगे जितनी ज़रूरत है बाइंडिंग के लिए। चने की दाल को हमने मिक्सर में पीस कर तैयार कर लिया है। अभी हमें उसी मिक्सर के पॉट में हम जो हमने मटन को मसाला लगा के रखा था, हम ये मटन भी पीस लेंगे, कोफ्तों के लिए तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बारीक महीन पीस लेंगे। मटन को भी हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अभी हमने जो दाल पीसी थी, चने की दाल भुनी हुई दालिया, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी पीसी हुई दाल बचा कर रखेंगे, ज़रूरत हो तो हम बाद में ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दाल को और गोश्त को हाथों की मदद से। 1/2 टेबल स्पून हम तेल भी ऐड कर रहे हैं, इससे थोड़े से चिकने कोफ्ते बनते हैं। हाथ को तेल लगा लें और कोफ्ते बना लें गोल गोल। एक कोफ्ता हम बना के आपको बता रहे हैं। इस तरह से हाथ पे तेल लगाएं और हाथों की मदद से गोल गोल कोफ्ते बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से देखिए, बिल्कुल गोल कोफ्ता बन के तैयार है। इसी तरह हम सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है। इस तेल में हमने गोल्डन ब्राउन प्याज की थी, जो हम सालन में यूज़ करेंगे। इसी गोल्डन ब्राउन किए हुए तेल के अंदर हम कोफ्ते तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे तल लेना है। एक एक कोफ्ता हम डाल रहे हैं। देखिए, कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इसे निकाल लेंगे। हमने सभी कोफ्ते निकाल लिए हैं तलकर। बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारे बच्चे तो इसे चलते फिरते ऐसे ही खा लेते हैं। यह हम मसाला यूज़ करेंगे। इसमें हमने 25 ग्राम खोपरा लिया है और 25 ग्राम हमने खसखस ली है, जिसे हमने भून लिया था और उसके बाद हमने इसे पीस लिया है। पहले सूखा और बाद में थोड़ा सा पानी डालकर हमने पीस लिया है। ये खोपरा और खसखस का पेस्ट हम सालन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने कुकर में 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है। उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो
2 टीस्पून हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भून लें अच्छी तरह से। अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए, देखो खुशबू आ रही है इसकी। उसके बाद हम इसमें 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हमारी मिर्ची बहुत फीकी है इसलिए हम 3 टीस्पून डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। अदरक लहसुन और फिर मिर्ची को भी थोड़ा भून लेंगे, मसाले जल ना पाए इसलिए हम इसमें 1 टीस्पून पानी डाल रहे हैं ताकि मसाले जले नहीं। ज़रा सा पानी हमने डाला है, अब हम इसमें जो मसाला हमने पीसा था खोपरा और खसखस का पेस्ट, हम वो ऐड कर रहे हैं। इस मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे, वैसे पहले से भुने हुए खोपरा खसखस, मगर अभी हम तेल में भी हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी देर धीमी आंच पे भून लें। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच खट्टा दही है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें से मिक्स कर लेंगे पहले। हमने 3 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया था तो इसलिए हम 3 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। आप जितना मिर्ची डालें उतना ही धनिया डालें। कोफ्तों में हमने नमक डाला था लेकिन हम ग्रेवी में अभी नमक भी ऐड कर देंगे, हमने इसमें नमक नहीं डाला है। धनिया थोड़ा भुन जाए, हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह से भून ले मसालों को। उसके बाद हम इसमें एक एक करके कोफ्ते भी ऐड कर देंगे। जितना आपको ज़रूरत हो ग्रेवी बनाने के लिए उतना ही पानी आप ऐड करें। हमने मिक्सर का पॉट धो लिया था, मिक्सर का जो पॉट धुला हुआ जो पानी है हम वो ही ऐड कर रहे हैं। आपको जितना पानी ऐड करना है उतना पानी ऐड कीजिए, ज़्यादा पतला भी सालन ये अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा थिक भी नहीं अच्छा लगता। हम अपने टेस्ट के मुताबिक पानी ऐड कर रहे हैं। अभी हम कुकर में 1 सीटी ले लेंगे और 5 मिनट धीमी आंच पर इसे बंद ही रहने देंगे। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। देखिए 1 सीटी हो चुकी है। 1 सीटी होने के बाद 5 मिनट हमने गैस का फ्लेम कम कर दिया था और अब हमने ढक्कन खोल दिया है। देखिए इस पर तेल दिखाई दे रहा है, यानी हमारा मसाला सालन बिल्कुल बनकर रेडी है। हम इसमें 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, खड़ी हरी मिर्च। उसके पहले हमने ये गोल्डन ब्राउन की हुई जो प्याज थी, एक प्याज है ये बड़ी प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन कर ली थी, उसको हमने क्रश कर लिया है। वो हम सालन में ऐड कर देंगे लास्ट में, क्योंकि ये पहले से तली हुई है, इसे मसालों में पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं प्याज, क्रश कर लिए थे हमने। उसके बाद 4 हरी मिर्च ऐड कर दे इसमें, खड़ी हरी मिर्च है ये। हरी मिर्च भी हमने डाल दी है। आधा टी स्पून हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर हम डाल रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। सालन को 5 मिनट पकने देंगे धीमी आंच पर। उसके बाद हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा कोफ्ते का सालन बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे आप ज़ीरा राइस के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आज का कोफ्ते का सालन की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो